हेलो दोस्तों, आज मैं मोबाइल क्रेन STC 1000 क्रेन का सिस्टम बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये हो गया इसका कंप्यूटर। अब ये सब एक से लेके इधर, एक से लेके 8 तक इसका बटन है। सब में अलग अलग फंक्शन है। या 8 का हमें उतना मतलब नहीं, बैक करने के लिए होता है। कोई बटन दबाइए, इधर दबाएंगे तो ये 8 से आप बैक कर सकते हैं। जैसे इसमें काउंटर वेट, बूम अप डाउन का स्पीड, वायर का स्पीड, स्विंग स्पीड, ये सब कर सकते हैं। इधर दो बटन है, एक स्क्रीन कंट्रोल, इधर से ये करेंगे तो इधर से हम दबाएंगे तो स्क्रीन से काम करें। इधर इस पर कर देंगे स्विच कंट्रोल, तो ये स्विच है, 1 2 3 4 तक है इसमें। अब देख सकते, इससे काम करेगा। इधर कोई सिस्टम नहीं, इससे आप काम कर दीजिए, बेसिक कर दीजिए, इससे मतलब नहीं रहता है। सिर्फ इस स्विच का मतलब रह जाता है। फिर आप इस स्क्रीन पे कर देंगे, स्क्रीन पे काम करेगा। इसका 60 मीटर बूम लेंथ है। मैं अभी 21.9 निकाला है। इसके बूम निकालने के लिए 75 डिग्री पे होना है एकदम ज़रूरी। 75 से नीचे नहीं निकलेगा। आप बूम निकालने के लिए तीन नंबर बटन दबा सकते हैं। तीन नंबर दबाएंगे, ये आपका पेज आ जाएगा एक। इसमें आपको कौन सा बूम चाहिए, कितना चाहिए। जैसे 92 92 में 28 नंबर का निकाला था, 56 मीटर। इसे 20 इसे 28 देख सकते, 28 दाब के ओके कर सकते। नहीं तो आप ऐसे बटन से भी ऊपर नीचे कर सकते, एक दो बटन से। जैसे एक से नीचे आएगा, दो से ऊपर जाएगा। इसे 28 पे मेरा कहा अभी। आप तीन से भी ओके कर सकते हैं, नहीं तो इधर डायरेक्ट जाके ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। ये पे देख सकते हैं, ऐसे आएगा। ये लॉक अनलॉक का है, ये अभी लॉक है, उस तरफ लॉक है, इस नीचे की तरफ अनलॉक है। ये बूम निकला हुआ है, अब देख सकते हैं। इधर ऑटो मैनुअल का है, ऑटो मैनुअल आप कर सकते हैं। इधर मैनुअल में बूम निकालने के टाइम वो जो ग्रीस होता है, जब सर्विसिंग टाइम, उस वक्त मैनुअल का ज़रूरत पड़ता है। नहीं तो बूम हमारा फंस गया, उस टाइम मैनुअल का ज़रूरत पड़ता है। अभी सेलेक्ट कीजिए ऑटो, जैसे एक नंबर है इधर। आप बटन से भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं बटन से दबाएगा, एक नंबर ऑटो हो जाएगा, दो नंबर मैनुअल हो जाएगा। आप इधर एक दो लिखा भी है, आप स्क्रीन टच ऐसे भी कर सकते हैं। ऑटो ऑटो किया, आप इधर निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं लीवर दबाएगा, इधर स्विच है वायर का, इस पे छोटा वाला वायर और बूम का है। ऊपर दबाएंगे तो बूम की तरफ जाएगा, नीचे दबाएंगे तो वायर पे आ जाएगा। अभी ऐसे इधर लीवर है, इसको ऐसे आप दबाएंगे, इधर दबाया तो उधर देख, आप देख सकते हैं। इधर दबा रहा हो, ये पिस्टन बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। बढ़ता है। अभी मुझे बूम निकालना नहीं है, इसलिए एक नंबर करते हैं। अगर इसी को क्लोज करने के लिए आप एक नंबर दबाइए, एक नंबर दबाएंगे क्लोज, ये 13 पर जाएगा। सब 0 0 है, 13.3 इसका बेस बूम है एक नंबर में। ओके कीजिए, अब लीवर दबाएंगे तो ये निकल रहा था, अभी ये क्लोज हो जाएगा। देख सकते हैं लॉक हो रहा है। थोड़ा फंस रहा है अभी, लेकिन कुछ नहीं होगा, ऐसे ही खुद ब खुद हो जाएगा। ऐसे ही है, ऐसे ही अभी फंस गया। तो आप मैनुअल भी कर सकते हैं, इधर मैनुअल है। ऐसे इसको नीचे की तरफ करेंगे तो पिस्टन सिर्फ आएगा, ऊपर नीचे होगा। जिसे अभी मैं आपको मैनुअल करके दिखा रहा हूँ, ये मैनुअल, अभी हम मैनुअल कर रहे हैं, मैनुअल हो गया। अभी हम इधर पीछे लेंगे,
पिस्टन पीछे जा रहा है, देख सकते हैं। मैनुअल में हम पीछे कर दिया, वो लॉक हो गया, विकलांग हो गया, हमें मुंह निकालने की ज़रूरत है। इसको फंसा हुआ था, आ गया। इसी को अगर आपको उधर बूम लेकर आना होता, जैसे कि ऊपर फंसा होता है, नीचे फंसा था, हो गया वो। अब दोबारा निकालेंगे, निकल जाएगा। अगर ऊपर फंसा होता तो हम इसी को, इधर जो लाइट है, ये लाइट जलता रहता है। आप लाइट कितना नंबर बूम है, जैसे कि 6 नंबर बूम है, 5 नंबर पे अटका था। अगर 5 नंबर अटक गया तो 5 नंबर पे लाइट आना चाहिए। फिर आप इस बटन को ऊपर की तरफ कर देंगे तो मैनुअल में हो जाएगा। मैनुअल ऊपर, मैनुअल में बूम है ये, बीच में इसका रखेंगे ऑटो हो गया। बाद बाकी ये वाइन कट ऑफ है, साउंड कट कर सकते हैं इससे। और ये इंजन जो चल रहा है उसको रनिंग ऐसे दबाएंगे नीचे की तरफ तो बंद हो जाएगा। ये 1/2 है, आप आगे की तरफ कर देंगे तो इसमें सिस्टम जो वायर बूम आप कुछ भी एक ही काम करेगा, एक बीच में आप दो नहीं कर सकते। दो दबाएंगे इस नीचे की तरफ तो सिर्फ 2 फंक्शन काम करेंगे। ये काउंटर वेट का आगे पीछे करने का सिस्टम है, ये बाईपास का है। बाद बाकी आप केबिन ऊपर नीचे कर सकते हैं इसको, जैसे ये केबिन ऊपर नीचे है। ये वाइपर का है, आपको मालूम ही है, ये पानी फेंकने का, ये ऊपर का वाइपर केबिन का, ये नीचे का है, आगे का है। ये सब आपको लाइट हो गया, कुछ खास सिस्टम नहीं है, ऐसे ही है, ज़्यादा सिस्टम नहीं है। मैं वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इतना ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ये बैटरी का लाइन है, कट ऑफ कर सकते हैं। आगे मैं दिखा रहा हूँ, इधर ये 2 स्विच है। ये एक है इधर केबिन के साइड में जो निकलता है, पैर रखने वाला है। ये आपको ज़रूर ऐसे पीछे की तरफ, जब काउंटर वेट लगाना हो तो आपको पीछे की तरफ करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ करेंगे तो ही इसका रिमोट में आएगा। रिमोट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रिमोट चलता कैसे। आपको रिमोट को सबसे पहले उधर बटन का ऑन करके, अभी देखा है, इस बटन को ऐसे ऑन करके उसके बाद आप इसको, इस बटन को ऐसे दबाएंगे, उसके बाद ऐसे इसको ऑन करके फिर ऐसे घुमा दीजिए 1-2 बार, फिर ये लाइट जलने लगा। आप देख सकते हैं इसमें आएगा, लाइट जलेगा, देख सकते हैं लाइट जला। अब ये हो गया स्विंग का, ये दोनों इधर दबाएंगे इस तरफ जाएगा, इधर दबाएंगे इस तरफ जाएगा। ये काउंटर वेट का पिस्टन अप कर सकते हैं इससे, इससे डाउन कर सकते हैं। काउंटर अप डाउन का पिस्टन है ये। बाद बाकी फ्लाई जीप का है, हमें इसका ज़रूरत नहीं है। ये काउंटर जो इधर है, आपको भी दिखाया था आगे पीछे करने का, सेम ये आगे पीछे करने का, हमें इससे भी ज़रूरत नहीं है आगे पीछे करने का। बस इतना है, अप डाउन करना है, स्विंग करना है। फ्लाई जीप का भी हमें टच नहीं करना है, इसलिए काम जब हो गया, काउंटर वेट लग गया तो हम इसे अप करके रख सकते हैं, इसे ज़रूरत नहीं है। ओके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं और भी क्रेन का आपको मॉडल सिखा सकूँ, नया नया दूसरा। आपको कौन सा क्रेन का मॉडल सीखना चाहते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए रेडी हूँ, ज़रूर आपको दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा दिखाने का। सानी लीवर, अट्रैक्स, ग्रोव। अट्रैक्स का तो मैं पहले अपलोड कर दिया है, ग्रोव लीवर कोई भी क्रेन का, कोई भी मॉडल, कितने मॉडल का चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।